सोनीपत। एक ऐतिहासिक और प्राचीन नगरों में से एक है, जहां पर आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। यहीं पर है 600 साल पुराना और दिल्ली के आसपास बने 184 मकबरों में से एक खिजर ख्वाजा का मकबरा। ये मकबरा 2 बीघा 6 बसवे भूमि के ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। खिजर मकबरा इब्राहिम शाह लोदी के काल में बना सुंदर नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। मकबरे में राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर को काटकर सुंदर नक्काशी देखते ही बनती है। इसकी गोल गुंबदों की छत पर हुई भव्य चित्रकारी प्राचीन काल की नक्काशी की गवाह है। मकबरे के अंदर में अरबी भाषा में कई कथाओं को लिखा गया है। इस मकबरे में 2 विशाल दरवाजे हैं। पहला दरवाजा 7 सितंबर 1522 का बना हुआ है और मकबरे का दूसरा दरवाजा 19 मई 1524 में बनवाया गया था। इन्हीं दरवाजों पर खिजर शब्द का अर्थ भी लिखा गया है, जिसका अरबी भाषा में मतलब है भटके हुए को पैगंबर का रास्ता बताएं। यही वजह है कि ये मकबरा आज सूफी संतों की दरगाह के तौर पर जाना जाता है। हालांकि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान अपने यात्रा वृत्तांत में इस जगह का जिक्र किया है, जिसमें उसने लिखा है कि 14वीं सदी में इस जगह पर जहां आज खिजर ख्वाजा का मकबरा बना हुआ है, वहां पर कोई इमारत नहीं बनी हुई थी। वहां सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए एक जगह थी, जहां पर हर धर्म के लोग ही नहीं जोगी भी अपनी मन्नतें पूरी करवाने की कामना को लेकर माथा टेकने आते थे और उस दौरान उनकी मन्नतें पूरी हो जाया करती थी। इसी प्रथा ने इस मकबरे को सूफी संतों की यादों का बसेरा बना दिया। करीब 600 साल गुजरने के बाद भी ये मकबरा इतिहास का केंद्र बना हुआ है।